नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ड्रग्स केस में सोमवार को बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने 6 घंटे पूछताछ की। अर्जुन सुबह 10 से 11:30 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे देर शाम तक पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक अर्जुन रामपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। दरअसल एनसीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर का बयान लिया है, जिसके बाद अर्जुन केस में फंस सकते हैं। अर्जुन रामपाल से ड्रग्स मामले में सवाल किए गए। मामले में एनसीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर का बयान लिया है। डॉक्टर का बयान एनसीबी ने अदालत में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया है। डॉक्टर का यह बयान अर्जुन की गिरफ्तारी की ओर भी केस को मोड़ सकता है। इस मामले में डॉक्टर ने कहा है कि मैटर अभी सब जुडिश है, इसलिए उससे जुड़ी डिटेल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो भी जरूरी बातें हैं मैंने एनसीबी को बता दी है और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे दिया है। मैं एनसीबी को सहयोग करूंगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के भी एक डॉक्टर का बयान एनसीबी ने लिया है। सूत्रों की माने तो अर्जुन रामपाल के एक करीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर को गुमराह करके बैक डेट में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए, ताकि एनसीबी की जांच से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक जिस दवा का प्रिस्क्रिप्शन अर्जुन रामपाल के करीबी ने लिखवाया था, वो प्रिस्क्रिप्शन एनसीबी के सामने अर्जुन रामपाल की तरफ से रखा गया था। एनसीबी को शक होने पर डॉक्टर से पूछताछ की गई और फिर बयान रिकॉर्ड किया गया। दरअसल अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी के दौरान मेडिसिन बरामद हुई थी, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आती है। वो दवा एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल एच में आती है, जिसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए डॉक्टर्स को भी अंधेरे में रखा गया था। अर्जुन रामपाल के घर 9 नवंबर को छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में उनके घर से ट्रेमेडोल टैबलेट्स बरामद की गई थी। इसके बाद अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रियला से 2 बार पूछताछ की गई थी। वहीं अर्जुन 13 नवंबर को एनसीबी के सामने पहली बार पेश हुए थे। ड्रग्स केस के 2 मामलों में एनसीबी ने गैब्रियला के भाई को पहले ही गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।